पार्थ, बिकॉज ओ लॉर्ड ऑफ द अर्थ, अपि ये स्युः पापयोनया, इफ दे आर एनी सिंफुल स्पीशीज, स्त्रियः वैश्याः तथा शूद्राः, द विमेन वैश्या एंड शूद्र, तेपि माम व्यपाश्रित्य, दे टू टेक माई शेल्टर, यान्ति पराम गतिम, अटेन द सुप्रीम डेस्टिनी, पुनः किम पुण्या ब्राह्मणाः, देन वॉट अबाउट द वर्चुअस ब्राह्मण डेटीज तथा भक्ता राजर्षया एंड डेवोटीज रॉयल सेजेस प्राप्य इमाम अनित्यम असुखम लोकम अटेन दिस टेम्पररी सोरोफुल अबोड भजस्व माम रिमेम्बर मी हि पार्थ अपि ये स्युः पापयोनया स्त्रियः वैश्याः तथा शूद्राः तेपि माम व्यपाश्रित्य यान्ति पराम गतिम पुनः किम पुण्या ब्राह्मणाः तथा भक्ता राजर्षया प्राप्य इमाम अनित्यम असुखम लोकम भजस्व माम इंटरप्रिटेशन बिकॉज ओ लॉर्ड ऑफ द अर्थ इन दिस सोरोफुल वर्ल्ड इवन इफ दे आर ऑफ एनी सिंफुल स्पीशीज लाइक द विमेन वैश्य एंड शूद्र अकॉर्डिंग टू द एक्शंस परफॉर्म्ड इन द प्रीवियस बर्थ They too take my shelter because of some elevated actions performed in the previous birth and attain the supreme destiny of Vaikunth in the form of Vishnu in this very birth. Then what to say about the virtuous Suryavanshi Brahmin deities and Kshatriyas, the excellent devotees or royal sages, Rajarshi? This is why, attain this temporary and sorrowful, hellish, demonic and violent abode and remember me, Avyakt Murti Shiv Baba, the only one who is always the giver of happiness. Maiti Pantha Dota Sritya, Devishu Pabu Dunayo, Sriyo Vashya Satha Sutra, Sveti Jakti Parangbati. Student, Mamhi Partha Vyapa Sritya, Ye Api Siu Papa Yonayah, Sriyo Vashya Satha Sutra, Tepi Yanti Parangbati. इनको 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 कलयुग में नीच योनी है बाबा यस दे आर द लोली स्पीशीज ऑफ द आयरन एज ये द्वापर कलयुग की बात बताई सत्युग त्रेता की नहीं स्टूडेंट बाबा व्हाई आर द विमेन बाबा दिस इज अबाउट द कॉपर एंड द आयरन एज नॉट अबाउट द गोल्डन एंड सिल्वर एज सत्युग त्रेता में तो ऊंची योनी होती है There are high species in the golden and silver age. स्त्रियों को भी उनमें गिन लिया द्वापर कलयुग में. They have also included the women in the copper and iron age. वैश्याएं गणिकाएं भी ऐसी-ऐसी आवेंगी. क्या? Such prostitutes and ganikas, that is those who sing songs of God but stay in the company of others will also come. What? वैश्याएं गणिकाएं भी ऐसी ऐसी आवेंगी जो तुमसे भी तीखी हो जाएंगी सच प्रोस्टिट्यूट्स एंड गणिकास विल आल्सो कम हु बिकम क्लेवरर देन यू क्या व्हाट ज्ञान में योग में धारणा में बहुत तीखी हो जाएंगी दे विल बिकम वेरी क्लेवर इन नॉलेज योग एंड धारणा बड़ी फर्स्ट क्लास गीत गाने वाली Those who sing the first class songs. Yeah. What? कौन से गीत? Which song? फिल्मी गीत, दुनियावी गीत. Film songs, the worldly songs. Yeah? हाँ, बाप की महिमा के गीत गाने वाली भाषण करने लग पड़ेंगी. Student, the glory of the father. Yes, those who sing songs of the father's glory. Will start delivering speeches. ऐसे फर्स्ट क्लास गीत बनाएंगी जो सुनते ही तुम्हारी खुशी का पारा चढ़ जाएगा. They will compose such first class songs that the mercury of your happiness will rise as soon as you listen to them. हद में हुआ कि नहीं हुआ? Did it happen in the limited or not? Basic में हुआ कि नहीं हुआ अभी? Basic में तो हुआ अभी? Did it happen now in the basic knowledge or not? It did happen in the basic knowledge. What about now? अभी हर्द के गीत गाने वाली निकलेंगी या बेहद के गीत गाने वाली?
Now, will those who sing the limited songs come or will those who sing the unlimited songs come? Student, unlimited. 30 जनवरी सन 68 की वाणी का चौथा पेज. Fourth page of the Vani dated 30th January 1968. तो ऐसे ऐसे गए हुओं को तुम समझाओ उठाओ तो तुम्हारा नाम भी बहुत ऊंचा हो जाएगा. So, explain and uplift such degraded ones, then your name will also become very famous. कहेंगे ये तो वैश्याओं को भी इतना ऊंचा बना देते हैं. They will say for you, they make even the prostitutes so great. खुद ही कहेंगे हम तो शूद्राणी थी. They themselves, that is prostitutes, will say we were शूद्राणीज. शूद्राणी माने? What is meant by शूद्राणी? शूद्राणी माने व्यभिचारिणियां, शूद्र. शूद्राणी means adulterous females, शूद्रास. शूद्राणी में किसका नाम प्रसिद्ध है शास्त्रों में? Whose name is famous among the शूद्राणीज in the scriptures? अरे भिलनी का नाम प्रसिद्ध है ना? अरे द नेम ऑफ भिलनी इज फेमस इजंट इट. अभी हम ब्राह्मण बने हैं पर हम सुदेवता क्षत्रिय बनेंगे. नाउ वी हैव बिकम ब्राह्मण्स देन वी आवरसेल्व्स विल बिकम डीटीज सो क्षत्रियास. यहाँ के पुराने पुराने बच्चे इतना नहीं समझा सकेंगे जितना हुआ समझा देंगे. द ओल्ड दैट इज सीनियर चिल्ड्रन हियर वोंट बी एबल टू एक्सप्लेन टू द एक्सटेंट दे विल एक्सप्लेन. क्या कहा? What was said? हैं? जब वो निकलेंगी तो इतने फोर्स से निकलेंगी कि पुराने पुराने बच्चे इतना नहीं समझा सकेंगे ज्ञान को जितना वो समझा सकेंगी. When they will come up with such force that the old children won't be able to explain knowledge to the extent they will explain. बाबा हर एक की चरण से समझ तो सकते हैं ना? बाबा कैन सर्टेनली अंडरस्टैंड थ्रू एवरीवन्स कंडक्ट कांट ही. कुछ उन्नति को पावेंगे व नहीं पावेंगे खुद भी समझ सकते हैं हम इससे जास्ती चढ़ नहीं सकेंगे. दे देमसेल्व्स कैन आल्सो अंडरस्टैंड वेदर आई विल प्रोग्रेस टू सम एक्सटेंट और नॉट आई वोंट बी एबल टू राइज मोर देन दिस. पिछाड़ी में आने वाले इनसे जास्ती चढ़ जाएंगे. Those who come later on will rise more than these ones, that is the old ones. वैश्याएं भी पुरुषार्थ करके माला का दाना बन सकती हैं. Even the prostitutes can make पुरुषार्थ and become the beads of the rosary. क्या? What? क्योंकि बहुत दुखी हैं. It is because they are very sorrowful. वो जोर से पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे. और यहाँ रहने वालों से भी तीखी चली जाएंगी. They will start making पुरुषार्थ intensely and go faster than even those who stay here. आगे चलकर तुम ये सब देखना. See all this in the future. मुरली में बाबा ने बोला कि वैश्याए भी माला की गाना बनेगी. ठीक है बनेगी तो. स्टूडेंट Baba has said in the Murli, the prostitutes will also become the beads of rosary. Baba, it is correct. They will. So? कैसे बनेगी? Student, how will they become that? How will they become that? ऐसी वैश्याएं होती हैं कि नहीं? जो गीत तो भगवान के गाती हैं. Are there such prostitutes who do sing the songs of God or not? क्या करती है? What do they do? गीत भगवान के गाती हैं, गणिका कही जाती हैं. They sing the songs of God. They are called as गणिकास. उनका नाम क्या पड़ता है? What are they named? गणिका माने गीत तो गाती हैं. गणिका. It means they certainly sing songs of God. परंतु खुद भगवान को नहीं पकड़ते. But they themselves don't take hold of God. दुनियावी मनुष्यों को पकड़ के बैठ जाती है या भगवान को पकड़ के बैठती है? डू दे होल्ड द वर्ल्डली पीपल और डू दे होल्ड गॉड एंड सिट. अगर ऐसी गणिकाएं लास्ट में भगवान को पहचान जाएं, इफ सच गणिकास रिकॉग्नाइज गॉड एट द एंड,
तो ऊंच पद पा सकती है या नहीं? कैन दे अटेन अ हाई पोजीशन और नॉट? पा सकती है। दे कैन। ऐसी गणिकाएं बेसिक में बहुत बैठी हुई हैं, जिन्होंने अंदर से भगवान बाप को पहचान लिया है। मेनी गणिकास लाइक दिस आर सिटिंग इन द बेसिक नॉलेज हु हैव रिकॉग्नाइज्ड गॉड द फादर फ्रॉम विद इन। एडवांस का ज्ञान भी मिक्स करके सुनाती है, लेकिन खुद भगवान के नहीं बन सकते। दे इवन मिक्स द एडवांस नॉलेज एंड नरेट इट, बट दे देमसेल्व्स कांट बिलोंग टू गॉड। ऐसा भी टाइम आवेगा जो अव्यक्तवाणी में बोला हुआ है। सच अ टाइम विल ऑल्सो कम फॉर विच इट इज मेंशन्ड इन द अव्यक्तवाणी कि दोबारा समर्पण समारोह भी होगा। द सरेंडरिंग सेरेमनी विल ऑल्सो बी ऑर्गेनाइज्ड अगेन। माने एक बार तो बेसिक में सरेंडर हो गए। इट मीन्स दे सरेंडर्ड वंस इन द बेसिक नॉलेज, लेकिन दूसरा भी समर्पण समारोह होगा। बट देयर विल बी सेकेंड सरेंडरिंग सेरेमनी एज वेल। कहाँ सरेंडर होंगे? वेयर विल दे सरेंडर? एडवांस में सरेंडर होना पड़ेगा। दे विल हैव टू सरेंडर इन द एडवांस नॉलेज। जो मुरली में बोला सब सेंटरों पे लिखना पड़ेगा आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय। फॉर विच इट इज मेंशन्ड इन द मुरली यू विल हैव टू राइट आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय एट ऑल द सेंटर्स। बाबा ने बोला वैश्याएं भी माला का दाना बने। बाबा हैज सेड दैट द प्रोस्टिट्यूट्स विल आल्सो बिकम बीड्स ऑफ द रोजरी। तो ये रुद्रमाला के मन के जन्म जन्मांतर के राजाएं बनते हैं कि नहीं? दीज बीड्स ऑफ रुद्रमाला बिकम किंग्स फॉर मेनी बर्थ्स, डू दे आर नॉट स्टूडेंट्स? यस दे डू। और इनकी आदत पड़ जाती है व्यभिचारी बनने की अनेक रानियों के साथ। एंड दे बिकम हैबिचुएटेड ऑफ बिकमिंग अडल्ट्रेस विद मेनी क्वींस। आदत पड़ जाती है या नहीं? आर दे हैबिचुएटेड और नॉट स्टूडेंट्स? दे आर। बहुत आदत खराब हो जाती है व्यभिचारी बनने की। दे फॉर्म अ वेरी बैड हैबिट ऑफ बिकमिंग अडल्ट्रस। वो व्यभिचारी बनने के संस्कार अगले जन्म में जब राजाएं स्त्री बनते हैं तो उन्हें स्त्रियों में व्यभिचारी बनने के संस्कार आएंगे या नहीं? तो वैश्या बनेंगे या नहीं? बिकॉज ऑफ दोज संस्कार्स ऑफ बीइंग अडल्ट्रस व्हेन दोज किंग्स बिकम वुमेन इन द फॉलोइंग बर्थ विल दोज वुमेन हैव दैट संस्कार्स ऑफ बिकमिंग अडल्ट्रस और नॉट? Students, they will. Then will they become prostitutes or not? Students, they will. हाँ, सब एक जैसे नहीं है। But yes, all aren't alike. Number बार। They are number बार। इसलिए बोला कि केतकी भी। This is why it was said that even केतकी। नाम दिया खास। पता नहीं किनको तका है उन्होंने। She was especially named so because no one knows whom has she stared. किनके ऊपर दृष्टि डाली है? On whom has she thrown a glance? ये भी मेरी, वो भी मेरी, वो भी मेरी, जिसको देखा वो ही मेरी. Thinking, she is mine, she is also mine. Whomever I see, she is mine. क्या मेरी? घरवाली. What is she of me? Wife. अभी तो बहुत दुख है। Now there is extreme sorrow. है? अभी तो देखो। Now see. खाने के लिए भी नहीं मिलता है। You don't even get food to eat. है? खाने के लिए भी पूरा नहीं मिलता है। तो फिर बीमार पड़ते रहते हैं। When you don't even get enough food to eat, you keep falling sick. अभी तो दुख ही दुख है। और सुख तो अल्पकाल क्षण भंगुर है। Now there is sorrow and just sorrow and happiness is temporary and momentary. जैसे साधु लोग कहते हैं ना। Just like the sages say, don't they? अरे इस दुनिया में तो काग विष्टा समान सुख है। अरे there is happiness like droppings of a crow in this world. क्यों कहते हैं? Why do they say so? क्योंकि वो तो आते ही तब है,
द्वापर के अंत में है जब कलयुग पापी युग शुरू होने वाला होता है। इट इज बिकॉज दे सर्टेनली कम एट द एंड ऑफ द कॉपर एज व्हेन द आयरन एज द सिंफुल एज इज अबाउट टू बिगिन। तो फिर दुख की दुनिया होगी है, क्षणभंगुर सुख की दुनिया होगी या लंबे समय का सुख होगा। सो विल देयर बी द वर्ल्ड ऑफ सोरो द वर्ल्ड ऑफ मोमेंटरी हैप्पीनेस और विल देयर बी लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस। क्षणभंगुर सुख होता है। स्टूडेंट रिप्लाइज यस देयर इज मोमेंटरी हैप्पीनेस। इंद्रियों से जो भी सुख लेते हैं वो क्षणभंगुर सुख। Whatever pleasure you experience through the इंद्रिया is momentary. जिस इंद्रिय के सुख को समझते हैं बहुत बड़ा बहुत ऊंचा सुख ले लिया। The pleasure of इंद्रिया for which they think that they have experienced the greatest, the highest pleasure. वो भी क्षणभंगुर सुख देती है, थोड़े समय सुख देती है, बाकी सारा। Even that pleasure gives momentary happiness. Happiness for a short period and what about the rest of the time? Baki sara lamba time dukh hai dukh. It just gives sorrow for the rest of the long period. Agar Shiv Baba yaad hai? If you remember Shiv Baba, to samjh lo Shiv Baba ke saath hamara sambandh jutta hai. Consider that you form a relation with Shiv Baba. Agar yaad nahi rehta hai to samjh lo bandhan bandhta hai. कैसे? If you don't remember him, consider that you are bound in bondage. How? याद? शिव बाबा को करना है और सारी दुनिया को भूलना है। You have to remember Shiv Baba and forget the entire world. दुखदाई को भूलना होता है। You have to forget the ones who give sorrow. इससे साबित होता है एक शिव बाबा के अलावा सारी दुनिया दुखदाई बन जाती है। आखिरी इट प्रूव्स दैट एक्सेप्ट वन शिव बाबा द एंटायर वर्ल्ड अल्टीमेटली बिकम्स द गिवर ऑफ सॉरो। एक शिव बाबा ही है इस सच्ची रूपी रंगमंच पर ऐसा पाठधारी जो कभी दुखदाई नहीं बनता। It is only one Shiv Baba, such an actor on this stage-like world, who never becomes a giver of sorrow. इसलिए कहते हैं एक सुखदाई और बाकी सारी दुनिया दुखदाई। This is why it is said only the one is the giver of happiness and the rest of the entire world is the giver of sorrow. सुखदाता एक है और दुखदाता अनेक है। There is one giver of happiness and there are many givers of sorrow. इसलिए बोला। This is why it was said. कि अगर बाप की याद में बैठे हो तो बाप के साथ संबंध जोड़ते हो। If you are sitting in the father's remembrance, you form relationship with the father. संबंध होता ही है सुख के लिए। Relationships are certainly meant for happiness. अगर उस एक सुखदाता की याद भूलती है तो कहीं न कहीं कोई न कोई के बंधन में बंध जाते हैं। If you forget the remembrance of that one, the giver of happiness, you are bound in the bondage of someone or the other at some place or the other. जो इस ऊंचे ऊंचे संबंध को समझ गए, Those who have understood this highest of the high relation, वो तो कहते हैं कि बाबा हमको इस दुनिया के बंधन से छुड़ाओ। They certainly say, Baba liberate us from the bondages of this world. तो एक है सुख का संबंध है और बाकी सब है दुख के संबंधन। So there is one relation of happiness and all the rest are the bondages of sorrow. संबंध होता ही है सुख के लिए। A relation is certainly meant for happiness. और असली में असली अच्छे में अच्छे ऊंचे ऊंचे संबंध है सतयुग का और ये बंधन है कलयुग का। And the truest, the best, the highest of the high relation is of the golden age and this bondage is of the iron age. अभी बाप तुमको कहते हैं याद करो। Now the father tells you
रिमेम्बर मी तो इसे दुख रूपी दुनिया से छूट जाएंगे। देन यू विल बी लिबरेटेड फ्रॉम दिस वर्ल्ड इन द फॉर्म ऑफ सॉरो। अपने पाप कर्म विनाश करने के लिए याद में रहना है। यू हैव टू स्टे इन रिमेम्बरेंस इन ऑर्डर टू डिस्ट्रॉय योर सिंफुल एक्शंस। एक तरफ भी कर्म विनाश के लिए योग लगावे। इफ यू हैव योग ऑन वन हैंड इन ऑर्डर टू डिस्ट्रॉय योर विकर्म दैट इज रॉन्ग एक्शंस। और फिर दूसरी तरफ अगर पाप कर्म भी करें तो फिर यहाँ 100 गुना दंड पड़ जाता है। एंड ऑन द अदर हैंड इफ यू परफॉर्म सिंफुल एक्शंस टू यू सफर 100 times पनिशमेंट हियर। तो दुख की दुनिया बढ़ती जाएगी या घटेगी? देन विल द वर्ल्ड ऑफ सॉरो एक्सटेंड और विल इट रिड्यूस। अनुभव की बातें हैं। दीज आर द टॉपिक्स ऑफ एक्सपीरियंस। अभी बाप कहते हैं मुझको याद करो तो दुख की दुनिया से छूट जाएंगे। Now the father says, remember me, then you will be liberated from the world of sorrow. ये सारी दुनिया कांटे हैं। This entire world is of thorns. कोई भी देहधारी में ममत्व नहीं रखना है। You shouldn't have attachment to any bodily being. इन देहधारियों को याद करने से कांटे ही कांटे लगते हैं। Thorns and just thorns prick you by remembering these bodily beings. कांटे दुखदायी होते हैं ना? Thorns give sorrow, don't they? बाबा को याद करने से तुम फूल बनते हो। You become flowers by remembering Baba. तो अभी ये देहधारियों का ममत्व मिटाना है। So now you have to remove this attachment to the bodily beings.